जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार, स्वागत है एक और वीडियो में। पीछे फ्रेम में देख सकते हैं हमारे पास खड़ी है इंडिया की मोस्ट फ्यूल इफिशियंट कार। दोस्तों 2500 माइलेज देने वाली ये है मारुति सुजुकी की तरफ से सिलेरियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों फाइनली सामने है मारुति सुजुकी की तरफ से सिलेरियो, और सिलेरियो का भी दोस्तों बेस वेरिएंट, मतलब सबसे सस्ता वेरिएंट। एक्सोरूम कीमत की बात करें तो मात्र 5,37,000 रुपए में आपको इतनी फ्यूल इफिशियंट कार देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर माइलेज ही देख लेना इसका, तो 25.24 किलोमीटर पर लीटर का कंपनी क्लेम करती है दोस्तों, और इससे ऊपर ही फेंक देती है माइलेज थोड़ा बहुत। ठीक है, इंजन देख लेते हैं। 998 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन, 65.71 bhp की पावर, और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको देखने के लिए मिलता है। लेंथ देख लेते हैं तो 3695 mm की लेंथ मिलती है। चौड़ाई की बात करें तो 1655 mm की चौड़ाई, और ऊंचाई की बात करें 1555 mm की ऊंचाई। गाड़ी का व्हील बेस है 2435 mm का। ठीक है, अब देखेंगे फ्रंट से आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो अब फ्रंट से देखते हैं कि फ्रंट से आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आप हेडलाइट की तरफ आ जाइए, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टर बेस्ड आपको हेडलैम्प मिलने वाली है, यहाँ पर इंडिकेटर यूनिट मिलती है, और यहाँ पर आपको मेन लाइट मिल जाती है। ठीक है, यहाँ फॉग लाइट कोई भी नहीं मिलेगी इस वेरिएंट में, LXI वेरिएंट है। उसके बाद ग्रिल की बात करें तो ग्रिल यहाँ फ्रंट ग्रिल में भी क्रोम के साथ यहाँ मैट ब्लैक फिनिश आपको देखने के लिए मिलेगी। क्रोम की एक लाइनिंग आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलती है, सुजुकी का लोगो। तो दोस्तों बेस वेरिएंट की एक पहचान है फ्रंट फेंडर पर इंडिकेटर मिलना, तो आपको यहाँ पर इंडिकेटर मिल जाता है। ठीक है, लगे हाथ टायर साइज भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर 165/70 की प्रोफाइल के साथ 14 इंच का स्टील रिम मिलता है। आगे फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाता है, और पीछे की तरफ बात करें तो वहां ड्रम ब्रेक ही मिलेगा। ORBM आपको दोस्तों बेस वेरिएंट में भी बॉडी कलर में मिल रहा है, ये एक अच्छी चीज है। उसके बाद डोर हैंडल भी आपको देखिए बॉडी कलर में ही मिलने वाले हैं। पीछे अगर टेल लाइट की बात करें तो ये हेलोजन बेस्ड आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर देखें तो न डिफोगर मिलेगा न रियर वाइपर मिलेगा, लेकिन हाई माउंट स्टॉप लैंप अंदर की तरफ से देखने के लिए मिल जाती है। सुजुकी का लोगो मिल जाता है, सिलेरियो लिखा हुआ मिल जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर देखें तो रिफ्लेक्टर कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। लेकिन रिवर्स पार्किंग सेंसर की बात करें तो इस गाड़ी में बहुत ही स्मार्टली रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए, और वो दिए गए रिफ्लेक्टर वाली जो लाइट है उसी यूनिट के अंदर। देखिए यहाँ पर एक यहाँ मिल जाएगा और एक यहाँ पर मिल जाएगा, मतलब दो आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। तो ये है कुछ इस तरीके से इसका जो है एक्सटीरियर। फ्यूल टैंक की बात करें तो 27 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, और अंदर अगर खोल कर देखें तो यहाँ पर देखिए डोर पे यहाँ तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, जिमनी की तरह सब खाली खाली कर दिया। लेकिन ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, और वो मिलेगा डोर हैंडल, बॉटल होल्डर। कोई स्पीकर नहीं मिलता पूरी गाड़ी में, कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है। यहाँ पर देखें तो ये चीज बहुत अच्छी है कि यहाँ पर जो ORBM है उसे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल किया जा सकता है बेस वेरिएंट में भी। ठीक है, बहुत अच्छी चीज दी गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एसी वेंट कुछ इस तरीके से दिए गए राउंड शेप में। यहाँ पर देखें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो यहाँ पर सिंगल यूनिट मिलती है, स्पीडोमीटर आपको सामने मिल जाएगा एनालॉग। बाकी यहाँ पर देखें तो ये डिजिटली आपको देखें लाइटिंग सी हल्की हल्की दिख रही होगी, तो ये चलने लगती है दोस्तों गाड़ी जब स्टार्ट होती है तब। अभी चाबी नहीं है वरना मैं दिखाई देता। उसके बाद देखें स्टेयरिंग, तो ना ही टिल्ट मिलेगी ना टेलीस्कोपिक मिलेगी। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पर तो कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है इस गाड़ी के अंदर। आफ्टर मार्केट लगवाना है, सबसे पहला काम आपका यही है, गाड़ी शोरूम से उठाओ, आफ्टर मार्केट स्टीरियो लगवाओ इसमें। ठीक है, उसके बाद एसी वेंट देखिए कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं। यहाँ पर देखें तो पावर विंडो के ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए ड्राइवर साइड ऑटो अप एंड डाउन यहाँ मिल जाएगा, पैसेंजर साइड यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर रियर विंडो को लॉक अनलॉक करने के लिए मिल जाएगा, और गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मिल जाता है। मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं। नीचे की तरफ देखें तो एक 12 वोल्ट का सॉकेट इस जगह पर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो थोड़ी सी स्पेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद दो कप होल्डर मिल जाते हैं। यहाँ पर देखें तो 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। ग्लोव बॉक्स देखें तो कुछ ऐसा मिलेगा, और यहाँ सारा कुछ दोस्तों ब्लैक में मिलने वाला है। ठीक है, दो एयरबैग मिल जाते हैं, एक तो पैसेंजर साइड मिल जाएगा और एक ड्राइवर साइड मिल जाएगा। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर टिकट होल्डर कुछ ऐसा मिलेगा, और यहाँ पर डे नाइट वाला आपको IRBM देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर लाइट ऐसी मिल जाती है येलो कलर की, और पैसेंजर साइड में भी देखो वैनिटी मिरर मिल जाता है सनसेट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ग्रैब हैंडल हार्ड प्लास्टिक में मिलता है। एक चीज अच्छी है दोस्तों, जैसे स्विफ्ट में जो है ना बेस वेरियंट में यहाँ पर चक्का दे दिया है, यहाँ पर चक्का नहीं दिया है, यहाँ अंदर की तरफ आपको पावर विंडो के ऑप्शन दे दिए हैं, और ORBM को एडजस्ट करने के लिए दे दिया है। ये चीज अच्छी करी दोस्तों इसके बेस वेरिएंट में। ठीक है, अगर पीछे की तरफ चलें रियर सीट में, वहां देख लेते हैं क्या मिलेगा। लेकिन उससे पहले सीटिंग देख लो, तो यहाँ पर फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलते हैं सीटों में, और ब्लैक कलर का फैब्रिक मिलता है। सीटिंग साइज वगैरह सब सही मिल जाता है, जो आता है नॉर्मल वही मिलता है, बैठने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई उड़के नहीं भगा जा रहा।
उसके बाद देखें यहाँ पर तो डोर पे देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से बॉटल होल्डर मिल जाएगा, कोई स्पीकर नहीं मिलता है यहाँ पर भी, पावर विंडो का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा यहाँ पर, डोर हैंडल यहाँ मिल जाते हैं ठीक है। इस गाड़ी में दोस्तों एक चीज बहुत अच्छी कर दी है कि यहाँ पीछे की तरफ के लिए भी दोस्तों पावर विंडो के ऑप्शन यहाँ पर दे दिए हैं आपको ठीक है, पुरानी बुलेरो की तरह बीच में दे दिए हैं। तो ये है कुछ इस तरीके का सेटअप, दोनों ही नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट पीछे की सीटिंग में भी देखने के लिए मिलते हैं। पीछे की तरफ से देखें तो डैशबोर्ड आपको कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। बूट देख लेते हैं, बूट में कितना स्पेस मिलेगा, बूट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बूट, यहाँ पर देखो पार्सल ट्रे भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। दूसरी चीज स्पेयर व्हील की बात करूं तो सेम साइज का स्पेयर व्हील मिलेगा, कोई कटौती नहीं मिलती। उसके बाद देखिए यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक ही मिल जाता है, कोई पीछे बूट में लाइट वाइट तो मिलती नहीं है लेकिन वैसे स्पेस सही है। इसकी जो है ना बूट की गहराई बहुत है दोस्तों, इसमें जब सीएनजी वाला वेरिएंट आता है ना तो यूं समझिए कि ये जो स्पेयर व्हील है ये पाताल लोक में चला जाता है, इसे निकालना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन उसे निकालने के लिए इस सीट को जो है ना फोल्ड किया जाता है, 60-40 में ये दोनों स्प्लिट हो जाती है पीछे वाली सीट, ये अच्छी चीज है। उसके बाद देखो बूट को भी यहाँ सही से कवर किया गया है, डिजायर की तरह खुला नहीं छोड़ा गया है, ये सब सही चीज है ठीक है। तो ये थी दोस्तों एक शॉर्ट वीडियो सिलेरियो के एलेक्साई बेस वेरिएंट की वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।